नमस्कार, एसपी 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नासमिन खान। जब से लोकसभा का चुनाव बीता है और परिणाम सामने आए हैं, तब से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी कहीं गायब नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी जिन्हें मंत्रालय में जगह मिल जाती है, मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है और राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं, जहां बिहार में 8 सांसदों को मंत्री बनाया जाता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद मौजूद होते हैं और जेडीयू पार्टी के 2 और एलजेपी के 1 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1, जिसमें जीतन राम मांझी खुद शामिल नजर आते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी को जो विभाग मिलता है, वो अपने विभाग से खुश नजर नहीं आते हैं, या कहें कि उन्हें अपने ही विभाग के बारे में जानकारी नहीं होती है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जहां चुनाव के बाद गायब नजर आए, इसमें एक बयान उनका सुर्खियों में आया, जब वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि उन्हें जो विभाग मिला है वो कौन सा विभाग है। जब वो उन्हें ये विभाग मिला तो वो माथा पीटते हुए नजर आए। ये खुद जीतन राम मांझी का कहना है कि जब उन्हें यहाँ पर MSME का विभाग मिला, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय है, ये मंत्रालय जब उन्हें मिला तब वो कहते हुए नजर आए कि उन्हें नहीं मालूम था कि ये कौन सा मंत्रालय है, और हम माथा पीटते हुए नजर आए। और ऐसे में सभी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, तो इस कड़ी में मैं भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा और मैंने पूछा कि आपने ये मुझे कौन सा मंत्रालय सौंप दिया है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए, ये उनका सपना है, ये विभाग के जरिए काम पूरा होना उनका सपना है। तब ऐसे में ये सपना मैंने आपको सौंपा है, ये जिम्मेदारी आपकी है। जीतन राम मांझी यहाँ पर बात को पलटते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को विभाग मिलने के बाद वो गायब है, जहां ललन सिंह सक्रिय नजर आते हैं, विभाग मिलने के बाद एक्टिव मोड में नजर आते हैं, जहां चिराग पासवान मीडिया के सामने अपने विभाग को लेकर और साथ ही साथ आरजेडी पर हमलावर साबित रहते हैं, वहीं जीतन राम मांझी की कोई भूमिका नजर न आना ये दर्शाता है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगी या फिर नहीं। क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।